नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अगस्त शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी होने के बाद अब उनकी सेहत में निरंतर सुधार है। सीएम गहलोत की सेहत के लिए हर कोई प्रार्थना दुआ कर रहा है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री गहलोत का भी प्रदेश की जनता से जुड़ा पत्र सामने आया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर रहे। हमेशा की तरह मैं पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूँगा। उन्होंने कोविड और पोस्ट कोविड में गंभीरता बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत की सेहत से जुड़ी ताज़ा अपडेट के अनुसार आज सुबह SMS अस्पताल में मुख्यमंत्री गहलोत के सिर का CT स्कैन करवाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत की CT स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बांसवाड़ा ACP ने बड़ी कार्रवाई कर चिकित्सा विभाग में सेवाएं दे रहे निजी ट्रस्ट के प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर मनीष को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पकड़ा गया को ऑर्डिनेटर जोधपुर की श्री परमात्मा चंद भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम करता है, जो चिकित्सा विभाग के लिए संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिट में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने के साथ व्यवस्थाएं देखता है। इसी अस्थायी नियुक्ति के बदले उसने एक कर्मचारी से 70,000 रुपये की मांग की थी। इसमें 4,000 रुपये की रिश्वत वह सत्यापन के दौरान ले चुका था, जबकि 20,000 की रिश्वत लेते धरा गया। कोऑर्डिनेटर ने एक खास बात का जिक्र ACB के सामने किया। उसने कहा कि मामले में CMHO और BCMO को भी हिस्सा देना पड़ता है। ACB के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। पंजाब के जगराव में एक व्यक्ति ने अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रदीप सिंह और उसकी 8 वर्षीय बेटी की पहचान जसजीत कौर के रूप में हुई है। इसी घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाप बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। मृतक प्रदीप सिंह की पत्नी राजवंत कौर ने संदिग्ध परिस्थितियों में 1 वर्ष पहले घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। मामला जगराव के अंगवाड़ लुधाई गांव का है। अपनी पत्नी की मौत के बाद प्रदीप सिंह मानसिक तौर पर परेशान रहता था। उसके साथ ही उसकी 8 वर्षीय बेटी रहती थी। पिता और पुत्री की आत्महत्या का पता तब चला जब मृतक प्रदीप सिंह के गांव चक्कर में रहने वाली मौसी उसकी बेटी जसजीत को अपने साथ ले जाने के लिए अपने बेटे के साथ मृतक के घर पहुंची। राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अंकुश लगा दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 तारीख से प्राइमरी स्कूल खोलने के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई। कुछ स्कूल संचालक सिर्फ बवाल खड़ा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक जयपुर में इकट्ठे हुए थे, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। इस धरने से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने पहुंचा था। निजी स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया में अपनी मांगों पर सहमति की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने के बाद 5 सितंबर तक कक्षा 1 से 8 तक भी स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आयकर विभाग ने गुजरात के राजकोट स्थित एक रियल एस्टेट ग्रुप के दफ्तरों में छापा मारा और लगभग 350 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स में ऐसी नगद रसीदें पाई जिनकी कोई जानकारी या हिसाब किताब नहीं था। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। आयकर अधिकारियों ने विभिन्न परिसरों से 6 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी और 1 करोड़ 70 लाख के आभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए के प्रोमिसरी नोट्स भी बरामद किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 25 लॉकर मिले हैं जिन्हें छिपा कर रखा गया था। ये ग्रुप गुजरात के प्रमुख रियल एस्टेट बिल्डरों और डेवलपर्स में से एक है और सक्रिय रूप से राजकोट और उसके आसपास रियल एस्टेट निर्माण और लैंड बिजनेस में लगा हुआ है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में एक पति ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की जान ले ली। शातिर पति ने फिर मनगढ़ंत कहानी रच खुद को बचाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार मंगियावास स्थित बलदेव नगर में मेट्रो प्राइम अपार्टमेंट में ऋषिराज शर्मा अपनी पत्नी शिखा शर्मा, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहता है। ऋषिराज काफी समय से अपनी पत्नी के साथ लगातार झगड़ा करता था। शिखा ने इसकी जानकारी अपने माता पिता को भी दी थी। ऋषिराज ने अपनी पत्नी की हत्या कर मनगढ़ंत कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया और उसने बताया कि घरेलू कलेश के चलते गला घोंटकर शिखा की हत्या की थी। पुलिस ने ऋषिराज को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून अब कृष्ण जन्माष्टमी से एक्टिव होगा। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश का दौर शुरू होगा। मानसून की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह तक होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं।
अब तक ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान में हुई है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल से लगने वाले क्षेत्र के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 29 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 29-30 अगस्त को उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग सहित ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 1 से 4 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। बारिश का यह सिस्टम सितंबर के पहले सप्ताह के अंत तक बना रह सकता है। जोधपुर की एक ढाणी में बेटियां पढ़ लिख गई तो वह उनके परिवार को ही नागवार गुजरा। लड़कियों के ग्रेजुएट होने से चिढ़कर उनके कम पढ़े लिखे चचेरे भाइयों ने मारपीट कर दी। राखी बंधवाने के 4 दिन बाद हुई मारपीट से परेशान 5 बहनें भाइयों के खिलाफ कुड़ी थाने पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक मामला जोधपुर के बिश्नोई गुड़ियों की ढाणी का है। यहां रहने वाली 5 बहनों ने ग्रेजुएशन पूरा किया है, जबकि उनका कोई भी भाई 5वीं क्लास से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यही बात भाइयों को नागवार गुजर रही थी। इधर बहनों ने अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी। इससे चिढ़कर भाइयों ने बहनों पर लाठियों से हमला बोल दिया। जमकर मारपीट करने के बाद 5 बहनों को घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। इनके बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। मारपीट के दौरान लड़कियों ने मोबाइल से वीडियो बना लिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले के सिंगोर कला गांव में कृषि कार्य कर रहे दंपति द्वारा विषाक्त का सेवन करने की जानकारी सामने आई है। दंपति को खेत में काम कर रहे अन्य लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पति का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि कृषि कार्य करने के दौरान हंसराज बैरवा और पत्नी भारती ने एल्ड्रिन पी ली थी। उपचार के दौरान भारती ने दम तोड़ दिया, जबकि पति हंसराज का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के टिलोरा गांव में चोरों ने एक मकान पर सेंध लगाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार के अनुसार चोर उनके घर से करीब 5 किलो सोने के आभूषण और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।